ठीक है, इस कैसे हो। माय नेम इज अवतार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 4 स्टेप्स टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज करके फोटोशॉप में अलग अलग तरीके से स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं काम कर रहा था, सोचा स्ट्रोक पर एक वीडियो बना दूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए देखते हैं हम लोग फोटोशॉप में अलग अलग टूल्स को यूज करके स्ट्रोक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से आप साइज कोई सा भी रख सकते हो। क्रिएट करेंगे, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नया लेयर लेना है और यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल मार्क टूल पे। आप कोई सा भी इनमें से यूज कर सकते हो। जस्ट इसका जैसे पार्टिकुलर एरिया में हमें स्ट्रोक चाहिए उसका सिलेक्शन करने के लिए। मान लो हमने इतने एरिया में स्ट्रोक चाहिए, तो उसके लिए जाएंगे एडिट में, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक। तो आपके पास एक नया पॉपअप खुलेगा जहाँ पे इसका जो विड्थ है वो बताएगा आपने यहाँ पे कितना भरना है। 5x10 pixels जितना आपने रखना है आप उतना रख सकते हो। तो उसके बाद इसका जो कलर है, कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कोई सा भी। और आपने लोकेशन जो हमारा सिलेक्शन किया हुआ है, ये सिलेक्शन के सेंटर में चाहिए, इनसाइड में चाहिए, आउटसाइड में चाहिए, हमें सेंटर में रखना है। और यहाँ से इसका मोड आप चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से ओके करेंगे। तो हमारा स्ट्रोक है वो सेंटर में क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल डी के साथ इसका सिलेक्शन, कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रोक क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगा और एक न्यू लेयर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ब्रश टूल पे, डी हिट करेंगे, ये रहा हमारा ब्रश टूल। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो इसका मुझे 10 पिक्सल चाहिए और यहाँ से आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं रखूँगा हार्ड राउंड ब्रश और इसकी ओपेसिटी 100%, फ्लो इसका 100%। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा तो हम एक और न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे पेन टूल पे और यहाँ पे इस तरीके से हम पाथ क्रिएट कर लेंगे। आपने ऐसा करना है वैसे क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे इस पाथ के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्ट्रोक पाथ। इससे पहले आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे आपने ब्रश टूल पे जाना है, इसमें ब्रश टूल भी यूज होगा। तो जितना साइज आपने ब्रश टूल का रखा होगा ये उतना ही स्ट्रोक इसमें फिल होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसका जैसे ही मैं पेन टूल पे जाऊँगा, पी हिट करूँगा, इसके पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे स्ट्रोक पाथ। और उसका यहाँ पे ब्रश आपने टूल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा दिए होंगे, तो यहाँ पे ब्रश के ऊपर जाएंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्ट। ये देख सकते हैं आप हमारा जो स्ट्रोक है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट, हमारा स्ट्रोक क्रिएट हो गया है। इसको मैं बंद कर दूंगा और एक न्यू लेयर लेंगे और हम जाएंगे फिर पेन टूल पे और इस बार आपने यहाँ पे पाथ से हटके कर देना है शेप और यहाँ पे फिल कलर इसका बंद कर देंगे और स्ट्रोक इसमें फिल कोई सा भी कलर रख सकते हो आप। और इसका विड्थ कम ज़्यादा आप बाद में भी कर सकते हो। और हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रोक क्रिएट कर लेंगे, आप जितना चाहो उतना इस तरीके से स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हो। अब उसका यहाँ पे इसमें कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हो। रेड करना है रेड कर लो, इसको यहाँ से कम ज़्यादा करना है कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और यहाँ से आपने इसको डॉट में रखना है तो डॉट में रख सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से लाइन में रखना है डॉटेड लाइन में तो इस तरीके से रख सकते हो आप, पूरा आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से इन सभी को मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा। तो इस तरीके से आप लोग फोटोशॉप में अलग अलग तरीके से स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हो। तो जो स्ट्रोक से रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया है, आपको कुछ और बताया है तो मुझे कमेंट करके बताना। और आपको जो मैंने अभी बताया है इनमें से कौन सा मेथड अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।